तुम्हें याद है तुम्हारी और मासूमा की एंगेजमेंट? हाँ याद है, लेकिन ये बात तुम कैसे जानते हो शान? पहले पूरी बात सुनो से। तुम्हारी और मासूमा की एंगेजमेंट के दिन अक्षय एंगेजमेंट रिंग घर पर ही भूल आया था। जब वो रिंग लाने घर जा रहा था तब उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और जिस लड़की के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ वो कोई और नहीं, सत्या थी। प्लीज आप इसे इमीडिएट एक्शन कीजिए, प्लीज, इट्स इमरजेंसी। आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है? फॉर्म? कैसा फॉर्म? फॉर्म फिलअप किए बिना हम इलाज शुरू नहीं कर सकते। अब फैमिली का कोई भी मेंबर फॉर्म फिलअप कर सकता है। आप कौन है? आप क्या सोच रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आपकी कौन है? हाँ जी, मेरी पत्नी है। इस डर से कि तुम्हारी और मासूमा की शादी रुक ना जाए, उसने ये बात किसी से ना कही। वो घबरा गया था, और फिर आया वो काला दिन, अक्षय का एक्सीडेंट। उसके बाद की कहानी तुम्हें पता ही है। अक्षय की मौत की खबर का फायदा उठाते हुए सत्या उसकी विधवा बनकर अक्षय के घर पहुंची, और फिर शुरू हुआ जायदाद हथियाने का खेल। और इस खेल में सत्या का साथ देने आया टक्कर। और एक और बात, उस एक्सीडेंट में अक्षय की मौत नहीं हुई थी, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट ही था। और उस एक्सीडेंट से अक्षय को बचाया माधव और मैत्री ने, लेकिन अक्षय की मुसीबतों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। पैसों की लालच में आकर माधव ने अक्षय को बताया कि सिड और ममता ने अक्षय की जान लेने की कोशिश की। क्या बकवास है! लेकिन जब इसी बकवास को लोग जिंदगी की हकीकत समझने लगते हैं, तो फिर उनकी खुद की जिंदगी बकवास बनकर रह जाती है। ऐसा ही कुछ अक्षय के साथ हुआ। ये सब जानने के बाद उसने सिड और ममता को परेशान करना शुरू कर दिया। उसकी जिंदगी के सिर्फ दो ही मकसद थे। पहला, सिड और ममता से बदला लेना, और दूसरा, सत्या और नटवर से अपने परिवार को बचाना। इसलिए एक तरफ वो ममता सिड को टॉर्चर करता रहा, तो दूसरी तरफ डीएनए टेस्ट के जरिए उसने सत्या और नटवर की पोल खोल दी। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो अभागा, वो बदनसीब कोई और नहीं,